No one comes to wipe your tears, even if you're in a healthy relationship or you have world's bestest best friend. पर लाइफ में कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिनसे आपको खुद डील करना पड़ता है, जिन्हें या तो आप प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाओगे या फिर आप जस्ट शेयर नहीं करना चाहोगे, बट उन फीलिंग्स से ओवरकम ज़रूर करना चाहोगे। तो कर लोगे यार, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और जहाँ आप हो वहाँ आपका पूरा जहाँ है। Hey loves, my name is Mayuri Pandya and today's video is requested by Suraj. और मेरे मूव ऑन सीरीज़ में बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो जाने वाली है, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। होप आपके लिए भी ये मददगार हो। नंबर वन, सेलेक्ट योर टाइप ऑफ ऑब्सेशन, क्योंकि आपका टाइप ऑफ ऑब्सेशन ही आपको बताएगा कि आप उससे ओवरकम कैसे कर सकते हो। क्योंकि न्यू पर्सन से ऑब्सेस्ड होना या अपनी ओल्ड फीलिंग्स, पास्ट की फीलिंग्स से अटैच्ड फील करना और उस पर्सन से रिलेटेड ऑब्सेसिव थॉट्स आना और न्यू पर्सन से रिलेटेड ऑब्सेसिव थॉट्स आना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बट बोथ कॉजेज डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ जीना बहुत मुश्किल है। नंबर टू, ऑब्सेसिव थॉट्स। देखो बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन है किसी एक थॉट का बार बार हमारे दिमाग में आना या किसी एक चीज़ जो करेंटली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसी के बारे में सोचना, तो उससे ही रिलेटेड सवाल आना मन में कि ये कैसे होगा, ये होगा या नहीं, ऐसे मतलब उसी के अराउंड आना। बट जब ये ऑब्सेसिव थॉट में कोई पर्सन जुड़ जाता है तो कि मतलब जो भी आ रहा है दिमाग में उस पर्सन से रिलेटेड ही आता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अचंभा और दिक्कत वाली बात हो जाती है। दैट वाई आई एम गेटिंग ऑब्सेस्ड विद हर, हर बात उसी से ही क्यों रिलेटेड आ रही है माइंड में, कि अगर कोई सवाल भी आ रहा है तो उससे ही रिलेटेड क्यों आ रहा है। वाई आई एम लाइकिंग हर सो मच, वाई आई एम लाइकिंग हर क्वालिटीज़, वाई आई एम थिंकिंग अबाउट हर क्वालिटीज़, और उसका डांटना, हंसना, बोलना, मुझे सब कुछ ही क्यों पसंद आ रहा है। अगर उसने मेरा अनफेवरेट कलर भी पहना हो तो वो उस कलर में भी मुझे अच्छी दिखती है, ये क्या हो रहा है? वॉट इज़ दिस बिहेवियर ब्रेन और हार्ट कोसू भी तो किसको, समझ ही नहीं आता है। नंबर थ्री, अगर यही परिस्थिति है आपकी तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, खुद से सवाल करना बंद करो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऐसे पूछते जाओगे, परेशान हो जाओगे खुद के लिए कि वाई एम आई गेटिंग ऑब्सेस्ड विथ हर, उतने ही आपको आंसर्स मिलते जाएंगे दिमाग में, आंसर्स आएंगे और सारे आंसर में उसकी तारीफ़ें होंगी, उसकी भर भर की क्वालिटीज़ होंगी, जिससे आपका ऑब्सेशन जस्टिफाई होगा। सो फर्स्ट स्टॉप आस्किंग योर सेल्फ, क्वेश्चन पूछना बंद करो कि वाई यू आर गेटिंग ऑब्सेस्ड विथ हर, ठीक है? तो क्या करना है, सवाल नहीं करना है। नंबर फोर, समटाइम्स जेन्युइनली ये फील होगा कि यार कितना अमेजिंग तो है वो, मतलब कुछ भी कहो टैलेंटेड तो है। इस मोमेंट में खुद से बस ये कहना है कि टैलेंटेड है तो क्या हुआ, जो है अपने लिए है, हम लोग थोड़ी ना कुछ दे रहे थे, मेरे लिए तो बस एक फॉर्मल घमंडी और अपने काम से काम रहने वाले ही इंसान है वो, तो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ भी नहीं है सिवाय रूडनेस के। रूखा बर्ताव है जिसका, सूखा पत्ता है वो, ड्राई डर्टी लीफ। यस, इस चीज़ को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने के लिए आप ये कर सकते हो कि कभी कभी ना एक एक पैराग्राफ लिख डालो बाय मेंशनिंग देम एज ड्राई लीफ, कि मुझे इतना इतना बुरा बुरा फील हो रहा है सब इस ड्राई लीफ की वजह से। एंड वेन एवर समथिंग कॉजेज अस पेन, वी नेचुरली टेंड टू डिस्टेंस आवर सेल्फ फ्रॉम दैट थिंग दैट इज कॉजिंग पेन। नंबर फाइव, सेट सम न्यू एग्जांपल्स। दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमें अलग अलग चीज़ों के लिए इंस्पायर करते हैं, तो किसी एक इंसान को अपना रोल मॉडल बना के रखने का ज़माना गया अभी, क्योंकि समवेयर वी ऑल डू मिस्टेक्स, बहुत सारे मिस्टेक्स, लेकिन जब हमारा इंस्पिरेशन कोई गलती करता है तो वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। तो इस ऑब्सेशन पीरियड में आप ये तो समझ लो कि चाहे उसके में लाख अच्छाइयाँ हों, लेकिन बुराइयाँ उसके अंदर भी हैं जो आपको अभी नहीं दिखेंगी क्योंकि आपकी आंखों पे क्रश की पट्टी बंधी हुई है। बट इस पट्टी को खोलिए और देखिए कि सब कितने अच्छे हैं और सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। एवरीवन इज़ स्ट्रगलिंग एवरी डे एंड ग्रोइंग, शी इज़ नॉट द ओनली वन हु इज़ इंस्पायरिंग द वर्ल्ड, सब कर रहे हैं, ठीक है? तुम भी कर सकते हो इस ऑब्सेशन को पीछे फेंक के। नंबर सिक्स, एंटरटेनमेंट का सहारा लो। पता है मुझे मन नहीं लगता है तुम्हारा उसके बिना कहीं और, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मन लगाओगे भी नहीं कहीं और। एंटरटेनमेंट का सहारा लो, उस अपने फ़ोन में उसके नाम का एक अक्षर भी नहीं रखना है, नहीं ये तो नहीं हो सकता, अपने फ़ोन में उसके चेहरे का एक फ़ोटो भी नहीं रखना है, और ऐसा गेम इंस्टॉल करो कि मम्मी पापा के नज़र में आ जाओ, वो भी बोले कि यार सारा दिन दिन रात जब देखो तब गेम खेलता रहता है, जब ये शब्द पड़ेंगे ना कानों में तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यस आई डिड इट, आई डाइवर्टेड माई माइंड फ्रॉम वन ऑब्सेशन टू अनदर ऑब्सेशन, जो कि है एक गेम जो कि तुम कभी भी अनइंस्टॉल कर दोगे, और तुमने नहीं किया तो पापा जी करा देंगे अनइंस्टॉल, तो कोई दिक्कत नहीं है।
नंबर 7, फील ग्रेटफुल. जो नहीं मिला या नहीं मिल सकती के बारे में पछतावा महसूस करने से वो मिल तो नहीं जाएगा आपको. तो इससे बेटर है कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुशी देती है उनके बारे में सोचो, या इफ़ ऐसी चीज़ें नहीं भी आपकी लाइफ में तो रिलैक्स रहो कि आप ज़िंदा हो और जो गुजर रहा है वो वक्त नहीं आपकी ज़िंदगी है. और अगर इसको सॉरी बिना कुछ खाए डकार आ रही है मुझे, अगर इसको वर्थी बनाना है तो अपनी इच्छाओं को एक्सपैंड करो. सिर्फ पिंकी का पिंका बनने से स्वर्ग नहीं प्राप्त होता है. हमेशा इतनी अच्छी कंडीशन वाली लाइफ नहीं मिलेगी, ठीक है, या ठीक ठाक कंडीशन वाली भी लाइफ नहीं मिलेगी जहाँ आपके हाथ पैर सही सलामत हो, अच्छे से हो आप. ऐसे हमेशा नहीं होगा, क्या पता नेक्स्ट जन्म में जितने पाप कर रहे हैं भगवान जी हमें इंसान बना के ही ना भेजे, या क्या पता भेजे ही ना, ये बोले कि वो मदिरा के गिलास के बाजू में पड़ा रहे, खबरदार जो चखने को हाथ लगाया तो हा, तेरे तो हाथ ही नहीं है. यहाँ भगवान जी भी मजाक कर सकते हैं. इस वीडियो का सार है, चलती है गाड़ी ऐसे चला लिया था. इस वीडियो का सार है, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, ऑब्सेशन के चक्कर में अपनी जिंदगी मत भूल. अगर लाइन पसंद नहीं आई तो कीप योर माइंड कूल एंड प्लीज गिव मी अ फूल. है मेरे पास वैसे दो वैसे बहुत तो दिमाग खाली. अब कमेंट शॉर्ट आउट करके जाती हूँ. अभिषेक का कमेंट है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब डज नॉट मैटर, मेहनती इंसान हर जगह सक्सेसफुल होता है. इस बात ने मेरा दिल जीत लिया और आपके कमेंट ने मेरा. अगला है अर्पित कुमार का, मैम आप बहुत क्यूट हो, पता है ये कुछ नया नहीं है पर रियली थैंक यू अर्पित. और ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप कितने भी बार क्यूट बोलो मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, बिकॉज आई लव हियरिंग क्यूट ब्यूटिफुल एवरीथिंग, तारीफ मुझे बहुत पसंद है. और कृपया इस कमेंट को क्या, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे व्यूज़ बढ़ाएं प्लीज़. मुझे आपने आज तक बहुत बहुत सपोर्ट किया है एंड आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी आप ही के सपोर्ट की वजह से जाऊँगी. तो थैंक यू लव यू सो मच. फीलिंग ओहो बाइक जा रही है, चली गई अपने फ़ोन में उसके यार ट्राई तो करो. क्या बोल रही हूँ मैं, कृति सनन को क्यों कॉपी कर रही है, बताते थे सब बोल दिए. पता नहीं आप मुझे कैसे झेलते हो, तो वो कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंटिंग हो जाता है हमारे लिए, डिसअपॉइंटिंग हो जाता. मैं गलत बोल रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे. सेलेक्ट योर टाइप ऑफ ऑब्सेशन, क्योंकि आपका टाइप ऑफ ऑब्सेशन ही है.